हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे Adobe प्रीमियम प्रो में लोडिंग बार और परसेंटेज काउंटर कैसे बनाया जा सकता है। तो चलें शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। जी, सबसे पहले हम जाएंगे ये न्यू आइटम पे। यहाँ पे है हमारे पास कलर मैट। यहाँ पे कलर मैट का साइज ये ठीक है, इसको ओके करेंगे। इसके बाद हम कोई भी कलर दे सकते हैं, जिस तरह ये ग्रीन है, इसको ओके करेंगे और इसका नाम दे देंगे बैकग्राउंड। इसको ओके करेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप अपने टाइमलाइन पे कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसका हम थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं 15 सेकंड तक। अभी हम जाएंगे यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे, रेक्टेंगल टूल है, इसको उठाएंगे और यहाँ पे हम ड्रैग कर देंगे इस तरीके से। अब हम एसेंशियल ग्राफिक में जाएंगे और इसको हम सेंटर कर देंगे इस तरीके से। और इसके अंदर हम एक और बनाएंगे, ये थोड़ा सा इससे बड़ा होना चाहिए, इसको भी हम सेंटर कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको डिसेबल कर देंगे फिल को और इसको इनेबल कर देंगे और इसको कर देंगे 100। तो ये इस तरह हो जाएगा। अब हम इसको ऐड करेंगे और इसको इनेबल कर देंगे और इसको कर देंगे और इसका जो फिल कलर है ये वाला रख देंगे हम। इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा देंगे, इसको 12 कर देंगे ताकि ये थोड़ा नज़र आए ऊपर से इस तरीके से। अब हम जाएंगे यहाँ पे और इसका जो लाइन जॉइंट है इसको कर देंगे राउंड जॉइन और इसका लाइन कैप को कर देंगे राउंड कैप। इसको करेंगे ओके, तो ये थोड़ा सा राउंड में हमको दिखना शुरू हो जाएगा। इसकी थिकनेस मेरे ख्याल थोड़ी सी बढ़ा दें ताकि इसको थोड़ा पता चले। हाँ, अभी हम अगर इसको देखें तो ये देखें राउंड में आ गया इसका। इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये इस तरीके से, ये सही लग रहा है। ओके, ये मेरे ख्याल अंदर का कलर भी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये इस तरीके से, ये थोड़ा मुझे सही लग रहा है। अब हम इसके अंदर एक टेक्स्ट ऐड करेंगे, यहाँ पे क्लिक रखेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे लोडिंग और इसको कुछ स्पेस दे देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। इसको हम यहाँ से सेंटर कर देते हैं, यहाँ से नीचे कर देते हैं इतना इस तरह, ठीक है। इसका हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, कैलिबरी लाइट ये ठीक है और फोन साइज ठीक है। अब हम ये जो टेक्स्ट किया है इसको अलाइन कर देंगे इसके साथ ही। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर नंबर हमको डालना है। नंबर हम डालने के लिए क्या करेंगे, एक्सेल में जाएंगे, इसको करेंगे 0, 1, 2, ये 100 तक हमको चाहिए। ठीक है, इसको हम पूरा कॉपी करके नोटपैड में डाल देंगे। इसको भी कॉपी कर लेंगे नोट पैड से और हम यहाँ पे जाएंगे, डी सेलेक्ट करेंगे और हम अपना एक और टेक्स्ट का यहाँ पे लेकर आएंगे। अब हम जाएंगे इसको पेस्ट करने से पहले इसको सेंटर कर देंगे और इसका जो फॉन्ट का कलर है वो हम ये वाला रख देंगे और इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब हम सिलेक्शन टूल लेकर आएंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे। इस तरीके से अब हम जाएंगे, एक रेक्टेंगल हमको एक और चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे रेक्टेंगल। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको हमको ये नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ये चाहिए, फिल चाहिए सिर्फ। इसको हम छोटा कर देंगे और इसको हम यहाँ पे ले आएंगे
इस तरीके से इसके पास ले आएंगे। अब हम जाएंगे यहाँ पे ये मास्क, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इसका सिर्फ मास्क ही दिखाया, मतलब जो मास्क इसने बना दिया इसके ऊपर। अभी इसने टेक्स्ट ने हमको एक और एक बना दिया है ये लेयर, तो इसको हम इसके हिसाब से साइज़ में इसके साइज़ का बराबर कर देंगे इस तरीके से। अब हम जाएंगे, हमको इसको क्रॉप करना है, तो हम इस यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे क्रॉप। अब क्रॉप को हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है शेप वन और शेप टू के बीच में इस तरीके से। यह हमको सेलेक्ट हो गया। अब हम इसकी थोड़ी सेटिंग करेंगे यहाँ पे जाके, अब हम इसको की फ्रेम इसको बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे इसको राइट पे क्लेंगे करेंगे और यहाँ पे हम मैं इसको जब इंक्रीज़ करूँगा जी, इसको इंक्रीज़ करने से कुछ हो नहीं रहा है, तो मेरे ख्याल में हमसे कुछ मिस्टेक हुई है। ये मैं इसको शेप टू पे क्लिक करके इसको ऑफ करते हैं तो फिर देखें ये चल जाएगा इस तरीके से, ये लोडिंग बार इस तरीके से। हम इसको इंक्रीज़ करेंगे ये चलना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको हम करेंगे 29 तक, मेरे ख्याल ठीक है ये फुल हो जाएगा इस तरीके से। इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, हाँ ये 24 तक, ये इस तरह थी। अब हम इसका यहाँ पे एक और की फ्रेम बनाएंगे स्टार्टिंग में और इसका हम जो है साइज़ वो 75 तक रख देंगे इस तरह। तो अभी हम इसको प्ले करके देखेंगे तो ये इस तरह चलना शुरू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो पहला की फ्रेम है उसके ऊपर खड़े होना खड़े होंगे यहाँ पे, क्योंकि ज़रूरी है क्योंकि हमको मैच करना दोनों। तो यहाँ पे हम खड़े होके हम जाएंगे नंबर के ऊपर, नंबर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम उसकी सेटिंग करेंगे। यहाँ पे हम टेक्स्ट लेयर में यहाँ पे जाएंगे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे इसकी पोजीशन में जाएंगे। यहाँ पोजीशन में हम यह क्लिक कर देंगे एक हमारा जो की फ्रेम है यहाँ पे, और हम अब जाएंगे वापस से अपना लोडिंग पे और यहाँ पे हमारे जो दूसरा की फ्रेम है इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पे आ जाएगा। फिर हम जाएंगे अपना नंबर वाले उसके ऊपर, क्योंकि हमको ये सेट करना है, ये आगे पीछे होगा तो हमारा नंबर सही बैठेगा नहीं एक्चुअली। अब हम अपने इसको क्या करेंगे, इसकी जो पोजीशन है इसको इतना बढ़ाएंगे कि ये 100 हो जाएगा। अभी मैं जल्दी जल्दी करके बताता हूँ आपको। ठीक है, ये 100 पे इस तरीके से आ जाएगा। अभी हम इसको चला के देखते हैं, देखें ये काउंटर चलना शुरू हो गया और इसका पूरा 100 पे आ गया इस तरीके से। अब हम इसको क्या करेंगे, अपना जो ये वाला की फ्रेम है इसको राइट क्लिक करके इसको ईज़ इन कर देंगे और इसको करेंगे ईज़ आउट। इसी तरह हमारे लोडिंग वाला है यहाँ पे भी इसको कर देंगे ईज़ इन कर देंगे और इसको करेंगे ईज़ आउट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसमें एनिमेशन थोड़ा और करेंगे ताकि थोड़ा ये रियलिस्टिक लगे। अब हम इसको क्लिक करेंगे और जाएंगे यहाँ पे लिमिटरी कलर, यहाँ पे जाएंगे हम यहाँ पे विग्नेट में जाएंगे और इसको थोड़ा सा हम शेडो कर देंगे ताकि थोड़ा सा इस तरह लगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा इफ़ेक्ट डालेंगे लोडिंग पे क्लिक करके, यहाँ पे हम सर्च करेंगे विनीशियन ब्लाइंड्स, यहाँ पे इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ये क्रॉप के नीचे यहाँ पे। अब हम इसको सेलेक्ट करके इसकी सेटिंग में जाएंगे। अब हम जाएंगे यहाँ पे ट्रांजिशन कम्प्लीशन में जाएंगे, देखें ये इस तरह का बना दिया और इसकी विड्थ को कर देंगे थोड़ा सा बड़ा, या आप अपने हिसाब से देख लेना आपको कौन सा चाहिए अच्छा लग रहा है। तो ये इस तरह का ही है, लोडिंग बार बन जाएगा। आई होप कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।